block कर रहे हैं हम. We have finished all the properties of D block. सारी की सारी alloy formation क्यों होता है, complex formation क्यों होता है, interstitial compounds क्यों बनाते हैं, catalyst की तरह क्यों behave करते हैं. So ये सब कुछ हम कर चुके हैं. अब इसमें से D block में से हमारे पास reactions वाले सिर्फ दो ही parts हैं. तो दो compounds हम लोग करेंगे इसमें. One that is going to be potassium dichromate and the second one that is going to be potassium permanganate. दोनों की oxidation, oxidizing और reducing आपने 11th में करी हुई है. So this is not a very difficult thing to memorize या learn. आप easily इसको learn कर सकते हो. Okay? Now before going on to the main दो compounds, let's understand कि oxides and oxoanions क्या होते हैं, या metals के या transition metals के oxides या oxoanions क्या होते हैं. Okay? अब transition metals जो हैं, वो oxygen के साथ react करते हैं at very high temperatures. और जब वो उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे क्या, ऑक्साइड्स. और ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बहुत वेरिएशन शो करते हैं इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैंगनीज ले रहे हैं तो मैंगनीज जो है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाता है, मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है. यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस 4. फिर ये Mn2O7 भी बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज गोइंग टू बी प्लस 7, राइट. सो मैंगनीज क्यों इतनी वेरिड ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, बिकॉज इसमें मेटल्स में टेंडेंसी रहती है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, ठीक है. सो दैट इज द रीजन इट इज गोइंग टू फॉर्म वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स, राइट. अब यहाँ पे लेट्स जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स जो कि रीजनिंग क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं. फर्स्ट इज दैट ऑल मेटल्स except scandium, all metals except scandium form MO oxides plus 2 oxidation state में, ठीक है, forms MO oxides. और ये जो होते हैं MO oxides, इनकी आप बोल सकते हो they are going to be ionic compounds, राइट. और इनका जो आयनिक कैरेक्टर होता है दैट विल कीप ऑन, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता रहता है. सो वी कैन पुट दैट विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. सो ज्यादा कोवलेंट होता रहेगा, आयनिक कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट. जैसे आप यहाँ पे ले रहे हो कि Mn2O7 दैट इज गोइंग टू बी कोवलेंट, इफ यू टेकिंग MnO इट मे बी आयनिक, ठीक है. सो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे ही जो कैरेक्टर है वो आयनिक से कोवलेंट की तरफ को बढ़ता रहेगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है, जो क्या कहते हैं ऑक्साइड्स विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्साइड्स विद higher oxidation states, they are going to be acidic, right? जैसे हम chromium के oxides ले रहे हैं, so we are taking over here, let's say we are taking CrO, so CrO, Cr2O3, right? And we are taking over here CrO2. So the oxidation state यहाँ पे आ गई plus 2, यहाँ पे आ गई 3 2 6 plus 3 और यहाँ पे आ जाती है plus 4, right? Now over here जो lower oxidation states वाले होंगे they are going to be basic. So CrO जो होगा that is going to be basic, right? This is going to be basic. These two are going to be amphoteric. और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास आ जाता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड व्हिच इज CrO3 विद प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये जो होगा दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक. सो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती रहती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता रहेगा, ठीक है. फिर लेट्स गो ऑन टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट ऑक्साइड्स ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जैसे हमने ऊपर करा दे आर गोइंग टू बी बेसिक, और जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले हैं दे आर गोइंग टू बी एम्फोटेरिक.
So let's take another example. We are taking the oxides of manganese. Manganese banata hai MnO, Mn2O3, then it forms Mn3O4. Manganese dioxide, MnO2, and it forms Mn2O7 with manganese in the +7 oxidation state. So let's write down the oxidation states. Here we are doing +2, 3 2s are 6, +3, 4 2s are 8. This is going to be a mixed oxide over here. ठीक है, fractional oxidation state manganese की आएगी. यहाँ पे आ गई +4 और यहाँ पे आ गई +7. So what are we saying कि जो जैसे जैसे oxidation state बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ionic character decrease हो रहा है as we have studied over here, और acidic character in this case it is going to decrease, right? So acidic character that is going, not decrease, it is going to increase. Acidic character will increase and ionic character that is going to decrease. ठीक है, जितने भी oxides present रहते हैं they all are going to be reducing in nature. So let's go on to the reducing character of oxides. Reducing character of oxides. जो reducing character अगर हम लोग oxides का करें तो हम transition series में +2 oxidation states जो है वो more and more stable होती रहती है. तो जैसे हम लोग एक series में travel कर रहे हैं, हम first series में travel कर रहे हैं scandium से लेके zinc तक, तो आप देखते हो कि zinc की +2 oxidation state that is going to be very stable. So as we are moving along the series, मैंने आपको बताया था कि जब हम deep block पढ़ते हैं तो हम along the series study करते हैं, down the group study नहीं करते. So along the series what is happening कि +2 oxidation state that will keep on becoming more and more stable. So the tendency to lose electrons that is going to increase. जैसे for example if we are taking zinc over here, so zinc will have a tendency to lose 2 electrons to go on to Zn2 positive state. Why? Because zinc की जब हम electronic configuration कर रहे हैं, it is going to be 4s2 3d10, isn't it? So यहाँ पे अगर वो 2 electrons lose करता है, तो it enters a fully filled stable electronic configuration. और यहाँ पे जो electronic configuration होगी, that is going to be 3d10. Is it clear? So as a result of this, क्या होगा? Reducing character that is going to increase. What is happening to zinc over here? Zinc is getting oxidized. तो जो self oxidize होता है वो दूसरों को reduce करता है, क्योंकि zinc oxidize हो रहा है तो दूसरों के लिए इसको तो behave as a reducing agent, right? So जैसे जैसे हम along the series जाएंगे वैसे वैसे reducing nature जो है वो increase होती रहती है. And also we have discussed जब हम लोग electro reduction potentials कर रहे थे तो उसमें भी हमने यही सब कुछ discuss किया था. ठीक है, so these are going to be the oxides. Let's go on to the oxynions of transition metals. Alright, जब हम लोग oxynions करेंगे तो हमको as I just told you कि दो oxynions पढ़ने हैं. First one that is going to be potassium dichromate. HP board में इसकी preparation जरूर आती है, so आपको दोनों की preparations आनी चाहिए. ये एक question है जो कि बड़ा common है preparations का. ठीक है, potassium dichromate it has the formula K2Cr2O7. So when we are talking of preparation, it is going to be prepared from bromide ore. It is going to be prepared from bromide ore. There are going to be three steps. Bromide ore jo hai, that has the formula FeCr2O4. This is going to be the formula. First जो इसमें step होता है, that is conversion of chromite ore into sodium chromate. react करते हैं in presence of water. So what is going to be the reaction?
plus sodium hydroxide. Alkaline medium में ये reaction हो रही है. In presence of oxygen, ठीक है? So we are going to get over here sodium bromate, and with this we will get iron oxide. Plus water, ठीक है? So this is ये सारे reactions आपको आने चाहिए तीनों के तीनों steps तभी आपको full marks आएंगे, right? Second जो step है that is conversion of sodium chromate to sodium dichromate. The conversion of sodium chromate to sodium dichromate. So इसके लिए हम acidic medium use करेंगे. Sodium chromate का हमारा formula क्या है? Na2CrO4. So we are taking over here sodium chromate and we are going to subject it to an acidic medium. Acidic medium को subject करने के लिए हम इसमें sulfuric acid डालते हैं. ये इसकी एक खास बात है कि क्रोमेट आयन को जब हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है और जब डाइक्रोमेट को हम अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है. तो हम अभी करेंगे कलर चेंजेस आल्सो विल बी सीन. सो वी हैव ओवर हियर H2SO4 व्हेन दिस इज गोइंग टू गिव अस सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट एंड प्लस वाटर. So this is going to be the reaction. Now third is to convert sodium dichromate to potassium dichromate. Now potassium can easily take the place of sodium. So if we take KCl, then let's see what is going to be the reaction. Simple reaction hai. That is we have Na2Cr2O7 plus 2KCl to give us 2NaCl plus K2Cr2O7. ठीक है? So this is how potassium dichromate that can be formed by taking into account three different steps, right? अब यहाँ पे as I said कि यहाँ पे color change can take place. जो dichromate होता है that is going to be orange और जो chromate ion होता है that is going to be yellow. और दोनों जो है एसिडिक और बेसिक मीडियम मतलब पीएच ससेप्टेबल होते हैं दोनों. अगर हम लोग पीएच इंक्रीज करें डाइक्रोमेट आयन का तो वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और अगर हम लोग क्रोमेट आयन का पीएच कम करें मतलब हम उसको एसिडिक मीडियम को सब्जेक्ट कर रहे हैं तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है? सो लेट्स सी ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग. सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग क्रोमेट आयन ले रहे हैं this is chromate ion. इसको अगर हम acidic medium को subject करें, acidic medium मतलब हम H positive ion इसमें introduce करेंगे with the help of an acid. This is going to get converted into dichromate ion plus water. ठीक है? So over here this chromate ion जो होते हैं, they are going to be yellow. तो जैसे ही हम उसमें acid डालेंगे, the color of the the chromate that converts to orange जो कि बताता है हमें कि dichromate ion has been formed. उसी तरह से अगर हम लोग dichromate ion लेते हैं right और इसको हम alkaline medium को subject करते हैं so we are adding a base over here तो यहाँ पे orange से yellow color आ जाएगा. Reverse reaction will take place and water. ठीक है? So this is going to be orange now and it is being converted to yellow. ठीक है? So this is one thing which we have. Then structure भी इसके दोनों ions के बहुत important है. When we taking over here chromate का ion लेते हैं, it is going to have a tetrahedral structure. So we have chromium, oxygen,
going to have a yellow color, okay? और dichromate ion के पास एक bridging oxygen present रहता है, so we have chromium, oxygen, chromium, and two negative. And the color of these they are going, that is going to be orange. तो सबसे important property dichromate की होती है, potassium dichromate की, that is कि it behaves like an oxidizing agent. तो oxidizing agent का मतलब क्या हुआ कि ये खुद reduce होगा और फिर बाकियों को ये oxidize करेगा. अब इसपे आपको बहुत important है कि half reactions learn करनी is important. क्योंकि अभी हम देखेंगे कि एक जो reaction होती है, जो dichromate ion की reaction होगी, वो reaction हर एक में same होगी. ठीक है? So let's just see over here. Alright, so let's go on to the oxidizing nature. Oxidizing nature. यहाँ पे as I just told you कि oxidizing action जो है, वो represent कब होगी जब dichromate ion खुद reduce होगा. So आपने redox reactions करी है, उसमें हम दो half reactions पहले लिखते हैं ion exchange method में, और उसके accordingly हम लोग बैलेंस करते हैं. सेम यू हैव टू फॉलो ओवर हियर. तो डाइक्रोमेट आयन हमारे पास क्या हो गया, Cr2O7 2 नेगेटिव. दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Cr3 पॉजिटिव. सो एज यू कैन सी ओवर हियर कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +6 + 7 = 14 2 नेगेटिव. हां +6 और वहां पे इट इज गोइंग टू बी 3 पॉजिटिव. So, अगर हम लोग +6 से +3 पे क्रोमियम को लेके जा रहे, तो there is 3 electron exchange which is taking place per atom. But over here we have 2 atoms, therefore how many electron exchange is going to take place? 6 electrons. ठीक है? अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर, जितना ऑक्सीजन होता है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन साइड पे ऐड करेंगे. So we have 7H2O और फाइनली हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए we have 14H positive. ठीक है? So ये हाफ रिएक्शन हर जगह यूज होगी. So let's go on to the first one. First हमारे पास आ रहा है iodide to iodine. तो आपने इसकी हाफ रिएक्शन लिखनी है, इस वाली रिएक्शन की. ये हाफ रिएक्शन आपके पास है, ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए हम दो-दो को ऐड कर देते हैं. ठीक है? सो आयोडाइड में आप देख रहे हो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट -1. सो और आयोडीन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0. 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर एटम, बट वी हैव 2 एटम्स. सो 2 एटम्स के साथ हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाएगा? देयर इज गोइंग टू बी -2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक नंबर से. यहां पे हम देख रहे हैं कि देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को विद 3. राइट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर? 3 2 जा 6 आयोडाइड माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस 3i2. नाउ यू ऐड दिस इक्वेशन विद द हाफ रिएक्शन ओवर हियर. इन दोनों को आप ऐड करोगे तो -6 इलेक्ट्रॉन्स और +6 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे. ठीक है? हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाती है? ऑन द रिएक्टेंट साइड वी हैव Cr2O7 2 नेगेटिव +14H पॉजिटिव +6I नेगेटिव टू गिव अस 2Cr3 पॉजिटिव +7H2O +3I2. So rather than mugging up the reactions, ये एक simple method है reactions को learn करने के. क्योंकि अगर आप mug up करोगे तो कोई भी एक चीज आपकी misbalance हो गई, you will take at least 15 to 20 minutes to balance that only और lot of time will be wasted. ये वाली reaction आपको याद रखनी है. याद भी क्या रखनी है? Cr2O7 to Cr3 positive. इतना सा याद रखना है, उसके बाद आप इसको बैलेंस कर सकते हो. और इसको इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर दिया, हर एक में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने जरूरी है और फिर देन यू कैन ऐड. ठीक है? लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. S2 नेगेटिव 2S, दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन. S2
S2 negative 2, yes. So let's just try and पहले इसको ही balance करते हैं इस वाली equation को, यह equation में आपस already पढ़ी हुई है ना. So S2 negative 2s मतलब again how many electron exchange are going to be there? 2 electron exchange, ठीक है. So we have over here minus 2 electrons means again you have to multiply this equation with 3. We will have 3s2 negative minus 6 electrons to give us 3s. Okay, then add both the equations. If you will add both the equations, you will get the final equation. So final equation aapas kya ho gayi, Cr2O7 2 negative plus 14H positive plus 3S2 negative electrons kat jayenge aur mere paas aa jayega 2Cr3 positive plus 7H2O plus 3S. This is going to be your balanced equation. Theek hai? So this is how you can do it. Clear ho gaya? Now in a similar manner, you can also convert Fe2 positive to Fe3 positive. This is another oxidation reaction which we can do. So this is very easy. Here we have one electron exchange. You have reaction ko 6 ke saath multiply kar dena hai. So we have 6 Fe2 positive to give 6 Fe3 positive. इनको दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन. सो दीज आर सम ऑफ द इक्वेशंस जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की है, कॉमन मैंस एनसीईआरटी में यही दिए रखी है. तो आप इनको प्रैक्टिस करो और आपको पता है कि इसको कैसे करना है. दैट इज ऑल अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है. सेकेंड जो हमारे पास ऑक्सीजन आयन है, दैट इज गोइंग टू बी पोटेशियम पर मैग्नेट. So our next one, that is going to be potassium permanganate. Potassium permanganate that has the formula as KNO4. इसको हम लोग prepare करते हैं from pyrolusite ore. Right? So, bromide ore se kiya tha, isse hum prepare karte hain by simply manganese dioxide. Pyrolusite ore is manganese dioxide. Theek hai? So, how do we do it? We are going to fuse manganese dioxide with potassium hydroxide in presence of oxygen, ठीक है, and this is going to give us K2MnO4, 2K2MnO4, this is known as potassium manganate, ठीक है, plus water. अब हमें potassium manganate को potassium per manganate में convert करना है, तो उसके लिए हम acidic medium use करते हैं, right? Manganate ion that is going to be MnO4 2 negative, this is going to be the manganate ion, right? And we are just writing the ionic equation over here. Yeah, yeah, 4H positive. Acidic medium mein jab hum ise dalenge, this is going to be converted to permanganate ion, which is 2MnO4 negative. Okay? And plus it is going to give us 2H2O. Plus it is going to give us 2H2O and iske saath it is also going to give us manganese dioxide. So aap dekho manganese dioxide humare ko wapas mil raha hai isme, usko hum fir se first wali reaction mein react kar sakte hain and we can keep on getting the manganate ion. Theek hai, permanganate ion, sorry. So this is how potassium permanganate that is going to be formed. Ab yahan pe bhi humare paas do hai ions, jaise apne potassium dichromate mein chromate aur dichromate ions kare the, ऐसे यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नेट और पर मैग्नेट आयंस, वी हैव टू आयंस, ओके. और ये जो दोनों आयंस हैं, अगेन ये पीएच ससेप्टेबल है. अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में लेंगे उसको मैग्नेट आयन को, तो आप क्या देख रहे हो, ये मैग्नेट आयन बन रहा था ना, इसको हमने एसिडिक मीडियम में लिया तो हमारे पास पर मैग्नेट आयन बन गया. जो मैग्नेट आयन होता है दैट इज ग्रीन इन कलर, और जो पर मैग्नेट आयन होता है इसकी
इसकी ये खासियत है इसका इंटेंस पर्पल कलर इट इज गोइंग टू बी इट बिहेव्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर ठीक है सो व्हेन वी लुकिंग एट द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर मैग्नेट आयन दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है Right, so this is going to be the magnet ion which is green in color, right? And per magnet ion that is going to be and oxygen, this is going to be purple in color. So one that is the magnet ion on the left hand side with two negative charges, or side per magnet ion with only one negative charge. ठीक है सो दिस इज स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट अब इसकी दो क्या बोलते हैं उसको पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज हैं एक मैंने ऑलरेडी बता दी कि इट हैज एन इंटेंस पर्पल कलर जिसकी वजह से ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह भी यूज किया जाता है और दूसरा इसका पैरामैग्नेटिज्म जो होता है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट राइट सो टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब हमें जल्दी क्या पता है कि डायमैग्नेटिक जिसके पास सारे पेयर इलेक्ट्रॉन्स ओके और पैरामैग्नेटिक जिसके जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो बेसिकली क्या होता है कि जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो ऑक्सीजन जो है अपने चार्ज को ट्रांसफर करता है बिकॉज वो ऑक्सीजन अपने चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है उसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो एग्जिबिट करते हैं चेंज इन कलर भी जो है दैट इज गोइंग टू बी जैसे आप देखते हो कि इट इज बिहेविंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर तो उसमें पर्पल से कलरलेस हो जाता है तो उसमें भी यही चार्ज ट्रांसफर जो है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस Okay, then let's go on to the oxidizing nature of KMnO4. Now, when we're doing the oxidizing properties, KMnO4 की एक खासियत है कि ये different mediums में different electron exchange show करता है. जैसे for example, अगर हम लोग ले रहे हैं acidic medium, right? So acidic medium में it is going to show different reaction. और बेसिक मीडियम में इट इज गोइंग टू शो डिफरेंट रिएक्शन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज गोइंग टू बी डिफरेंट सो लेट्स गो ऑन टू एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन पहले हम देख लें एसिडिक मीडियम अगर आपको याद हो तो ये हमें इक्विवेलेंट वेट्स कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपने रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी करा हुआ है ना जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं मॉलिक्यूलर वेट्स को उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा सो यहाँ पे जब हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी डू द रिएक्शन वी हैव MnO4 नेगेटिव दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू Mn2 पॉजिटिव राइट सो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इट्स गोइंग टू कम एज +7 और वहां पे +2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दे आर टेकिंग प्लेस 5 सो एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं 4H2O और यहाँ पे हम H positive को balance कर लेते हैं तो we are going to get 8H positive ठीक है फिर उसके बाद अगर हम लोग basic medium में या neutral medium में reaction को करेंगे या weakly acidic medium में हम करेंगे तो it is seen that the electron exchange that becomes 3 so let's take it in a एसिडिक मीडियम यहां पे MnO4 नेगेटिव दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड सो व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी +4 ओके कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आर टेकिंग प्लेस +7 टू +4 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सो वी हैव ओवर हियर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लेट्स बैलेंस द ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2H2O और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4H पॉजिटिव राइट न्यूट्रल मीडियम में देयर मे बी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बेसिक मीडियम में जल्दी अगर हम आप लोगे ना तो एसिडिक मीडियम में आपने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लेने हैं और वीकली एसिडिक में या बेसिक मीडियम में आपने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लेने हैं न्यूट्रल मीडियम में भी हम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लेते हैं अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी यू हैव टू बी वेरी वेरी क्या कहते हैं उसको वेरी वेरी कॉशियस वेरी वेरी कॉशियस कि आपने आपको रिएक्शन मीडियम क्या दिया है
क्योंकि रिएक्शन मीडियम के बेसिस पे आपने हाफ रिएक्शंस लेनी है. सो लेट्स गो ऑन टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. हम लोग एसिडिक मीडियम में पहले रिएक्शंस कर रहे हैं, राइट? एसिडिक मीडियम में वी आर कन्वर्टिंग ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो हमारी फर्स्ट रिएक्शन इज oxalic acid to carbon dioxide. This we are doing in acidic medium, so we have to take 5 electron exchange wali reaction. Okay, pehle isi ko balance kar lo. Wapas ye aa jayega COO negative, COO negative. Yahan pe jo carbon ki oxidation state hai, that is going to be what? This is C2O42 negative ion. So let's calculate C2O42 negative. 4 2s are 8, 8 minus 2, that is going to be equal to what? 6. ठीक है, और आप इसको डिवाइड करो 2 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 को 2 से 3, राइट? सो पर इलेक्ट्रॉन देयर इज गोइंग टू बी हाउ मच एक्सचेंज, 3, और वहां पे पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 5. सो व्हेन यू गो टू बैलेंस दिस इक्वेशन, इसको आप खुद से ट्राई करना, बिकॉज़ आई हैव शोन यू हाउ टू बैलेंस इट. If you don't get it, then we will do tomorrow. इसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, दैट इज गोइंग टू बी, यहां पे भी प्लस 4 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे प्लस 3 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. सो देयर इज गोइंग टू बी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ओनली. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मतलब हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 5. लेट्स से वी आर टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ओनली ओवर हियर. So minus 1 electron to give us CO2. We have to also balance the oxygens. Yahan pe 2 CO2 aa jayega. So you can see that the oxygens are also balanced. This is a balanced equation. Ab isko 5 electrons ke liye what do we have to do? We have to multiply this equation by 5. So we have 5 COO negative negative minus 5 electrons to give us 10 CO2, right? Finally, आप क्या करोगे? उस reaction को और इस reaction को add कर दोगे, and you will get the overall reaction. ठीक है? So this is how you're supposed to do it. Second हमारे पास है, उन्होंने दी भी Fe2 positive to Fe3 positive. Simple. Fe2 positive to Fe3 positive, 1 electron exchange. अगेन आपको क्या करना है, इसको यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5. तो हमारे पास आ जाएगा 5 Fe2 पॉजिटिव माइनस 5 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस 5 Fe3 पॉजिटिव, एड दिस रिएक्शन विद दैट रिएक्शन टू गेट द फाइनल रिएक्शन. ठीक है, उसी तरह से आप आयोडाइड को आयोडीन की प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से. दिस इज 1. Second one is, please practice NO2 negative to NO3 negative. Okay, और faintly alkaline or neutral solutions में हम क्या करेंगे? Instead of taking this equation, we are going to take this equation. So same you can do over here, iodide to iodine in faintly neutral medium. So आप इसको 3 के साथ multiply कर दोगे and you will get it. Isn't it? So, उसमें आप 3 के साथ क्या, यहाँ पे there's going to be 2 electron exchange, तो 6 electrons होंगे, cross multiply करके you will get the final equation, right? So this is all what we have over here. और इसमें आपने याद रखना है कि जो permanganate ions होते हैं, जैसे आप यहाँ पे acidic medium दे रहे हो, तो इसमें titrations हम कभी भी HCl के साथ नहीं कर सकते. The reason behind that is कि ये HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू क्लोरीन. देयरफॉर हमेशा वी आर यूजिंग H2SO4 टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर रिएक्शंस और टाइट्रेशंस विद पोटेशियम परमैंगनेट. सो दैट इज ऑल व्हाट वी हैव इन आवर डी ब्लॉक. नाउ वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद ओनली एफ ब्लॉक, व्हिच वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन ओनली 1 लेक्चर. ठीक है.